Hello, welcome students to my English class. Today, in this section, we will start the English literature book of class 6. So get ready. Please like and subscribe my YouTube channel for new updates. So let's start. And the first chapter is, how Daddy decided what he wanted to be. ये आपका first lesson है, page number 1. So get ready. How Daddy decided what he wanted to be, इसका मतलब क्या होता है, डैडी कैसे डिसाइडेड किए थे, डिसाइड किए थे कि वो क्या बनना था उनको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ एक एंड दिस पर्टिकुलर जो लेसन है ये किसके द्वारा रिटन किया गया है, एंड इट इज़ बाय अलेक्जेंडर रस्किन. अलेक्जेंडर रस्किन ने ही लिखे हैं इसको. और देन स्टार्ट करते हैं प्री रीडिंग टास्क पे क्या क्या क्वेश्चन है. ओके, देर आर फ्यू क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन, आपके पापा की प्रोफेशन क्या है. आप इसका जो आंसर है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट में डिफर और डिफरेंट होगा क्योंकि हर किसी का आंसर सेम नहीं हो सकता है क्योंकि सब और आपका फादर्स का प्रोफेशन सबका अलग अलग हो सकता है. ओके, होगा. सो इट्स नाइस एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर फादर्स प्रोफेशन. सो दे आर सम सिंपल आंसर्स आई एम गोइंग टू गिव यू. अभी कुछ मैं सिंपल आंसर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है. सो जैसे किसी का फादर डॉक्टर हो सकता है, किसी का टीचर हो सकता है, कोई लेक्चरर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई कुछ भी, बहुत सारा बिजनेस है, प्रोफेशंस है, यहाँ बिजनेसमैन में भी हो सकते हैं. सो लेट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर फादर्स प्रोफेशन. सो द आंसर इज माय फादर्स प्रोफेशन. माय फादर, आप प्रोफेशन से नहीं लिखना है, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए इंजीनियर, इज एन इंजीनियर. Then you write, my father is a teacher. So these are some simple answers. And then second question, what profession would you like to choose? आप क्या profession choose करना चाहते हो? ये आपका आपके aim and objective ऊपर depend करता है, ठीक है. आप क्या बनना चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि आप क्या बनना चाहते हो. सो प्रोफेशन क्या होते हैं, हम तो जानते हैं कि SST क्लासेस में डिस्कशन किए हैं, क्लास थर्ड से ये सब रहता है. ओके, सो प्रोफेशन क्या होता है, ऐसा कुछ काम जिससे कि हम अर्निंग से रिलेटेड है, एक भी एक आपका इंटरेस्ट है ये सब काम करने के, बट लेटर लाइफ में ये आपका अर्निंग से रिलेटेड होता है. ओके, एंड देन व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज, आप क्या करना चाहते हो. आप लिख सकते हो, आई वांट टू बिकम ए पायलट, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ए टीचर, आई वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन, आई वांट टू बिकम ए पॉलिटिशियंस, कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर योर चॉइस, आप जो बनना चाहते हो उसका क्या रीजन है, ठीक है, क्या कारण है कि आप वो बनना चाहते हो, ठीक है. और जैसे कोई पायलट बनना चाहता है वो क्यों लिखेगा, सो दैट व्हाट इज द आंसर इट बी, सो दैट आई लव टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई. जो पायलट बनना चाहता है क्या करता है, वो आकाश में स्काई पे उड़ना चाहता है. और जो डॉक्टर बनना चाहता है वो क्या करना चाहता है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर टू गिव इंजेक्शन एंड मेडिसिन टू द पेशेंट. और या फिर आप लिख सकते हो, आई वांट टू सर्व द पेशेंट, या लोगों का सेवा करना चाहते हो, आई वांट टू गिव सर्विस टू द पीपल. आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आई वांट टू टीच द चिल्ड्रन. ओके, सो ये सब है आपका प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ रीडिंग टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द नरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. अभी हम लोग टाइटल के जैसे टाइटल किया है आपका हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, मतलब यहाँ आपको एक अच्छे से सोचना है कि यह ये जो राइटर्स के बारे में नहीं लिखा गया है, राइटर्स क्या लिखे हैं, अपने डैडी के जो डिसीजन लेने का कैसे डिसीजन डिसाइड किए थे कि आप बनना चाहते हैं, वो सब रिलेटेड है राइटर्स के डैडी के बारे में, उनके फादर के बारे में यहाँ वो डिस्क्राइब किए हैं. ओके, सो दैट कन्फ्यूज मत होना कि राइटर अपने बारे में लिखे हैं, राइटर अपने फादर्स के बारे में यहाँ सब डिस्क्राइब किया है. ओके, नरेट किया है यहाँ. सो रीड द फॉलोइंग स्टोरी, फाइंड आउट हाउ द नरेटर्स डैडी, and this is here, the narrator is Alexander Ruskin, and daddy decided what he wanted to be, so that उनका Alexander Ruskin के father, उनके daddy जो थे वो कैसे decided किए थे what he wanted to be, ठीक है. so let's start, when daddy was little he was often asked what do you want to be when you grow up, daddy always had an answer ready, but each time his answer was different, at first daddy wanted to be a night watchman,
He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. And he liked to think that he could make a noise when everyone was sleeping. Then he was quite certain he wanted to be a night watchman when he was grew up. But then the ice cream man came along with his bright green cart. And why? And he could push a cart and he could eat all the ice cream he wanted to. And I will eat a stick of ice cream for everyone, I said. And daddy thought, and I will treat little children to free ice cream. So let's start. What the thinking is here. There is a, here, look the picture here. Here's the one of the, you may, what we read here. And this is completely a night watchman. He's a night watchman. And this is the image of an ice cream man. So that ice cream seller. He's an ice cream man. And this is the night watchman. So these two profession that attracted the writer's daddy, the narrator's daddy. So that when daddy was little, and so in the first line it is described that his daddy was a little one. So that he was a small child, okay? वो एक छोटा बच्चा थे उस time. And what वो क्या उनको जब पूछा जाता था, when he was often asked उनको daddy को वो क्या बोलते थे? What do you want to be? When you grow up, आप जब बड़े हो जाओगे, क्या बनना चाहते हो, okay? आप क्या बनना, क्या बनोगे, okay? So that daddy always had an answer ready. Daddy ke paas always answer ready rehta tha. But this time his answer was different. But ek sochne wala baat kya tha? Ki always, all the time, his answer was different. Ye alag alag answer dete the. So that ye confused mind ka ek yaha describe kiya gaya. Ki uska father jo bhi jisko hota ho sakta ki कि क्यों ऐसे होता था, क्यों डिफरेंट होता था उनका सोच, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं. एट फर्स्ट उनके पापा क्या करते थे, एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. पहले क्या बनना चाहते थे, वो एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे. मतलब ये रात का जो चौकीदार होता है, रात्रि चौकीदार, वो बनना चाहते थे. बट व्हाई ही लाइक टू थिंक दैट व्हाइल द होल टाउन वॉच एस्लिप. सो दैट इट इज स्पेशल, इट इज द नॉर्मल थिंग दैट इन द नाइट एवरीवन स्लेप्ट. Everyone was sleeping, everyone sleeps in the night, sleep in the night, and the night watchman watch off. Aur raat mein kya night watchman jaga rehta hai. And he liked to think that he could make a noise. Unka soch ye tha ki wo sochte the ki कुछ भी चाहे, जैसे चाहे वो नॉइज कर सकता है. ठीक है, शांत थे, माहौल शांत थे, एनवायरमेंट शांत थे, सब सोए हैं रात में, वहाँ वो जोर जोर से चिल्ला सकता था. तो राइटर का भी यह सोचना था कि राइटर के जो उनके पापा जो हैं, उनका सोच था कि डैडी का, कि वो भी रात में जोर जोर से चिल्लाएंगे. सो दैट ही वॉज क्वाइट सर्टन ही वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन व्हेन ही ग्रो अप. तो उसके बाद जो बड़े हो जाएंगे वो नाइट वॉचमैन बनना चाहेंगे, ओके, बनेंगे. यही था उनका सोच. बट एक दिन क्या हुआ, But then the ice cream man came along with his bright green cart. एक दिन वो एक ice cream man को देखे, उनका जो green cart के साथ जो आए था, एक जिसमें एक डिब्बा जो बहुत बड़ा तो नहीं बोला सकते, बोलेंगे इसको एक ब्राइट ग्रीन कार्ट रहते हैं. कार्ट क्या होता है, व्हील्स लगा रहता है, जैसे कि बुलक कार्ट होता है. सो दैट दिस इज वन टाइप ऑफ कार्ट, इट इज हम लोग उसको पोलिया पोस्ट करके ले सकते हैं, ओके, उसको पकड़ के लेते हैं. सो दैट इज द आइस क्रीम कार्ट. इट वॉज ग्रीन इन कॉलर. सो एंड इट अट्रैक्टेड द आइस क्रीम मैन अट्रैक्टेड. क्यों अटैक किया था, व्हाई ही कुड पुश ए कार्ट, वो क्यों पुश करता है इस कार्ट को. ही कुड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू. उनका बोलना था कि वो क्यों पुश करके ले रहा है, वो तो सब आइसक्रीम को खुद खा लेता, अपने आप अकेला ही खा जाता, क्योंकि छोटे बच्चे को ये पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है. सो ये अटैक किया था राइटर की डैडी को. सो दैट आई विल ईट अ स्टिक ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरीवन. मैं पूरा टोटल जितना आइसक्रीम सेल करना मैं खा जाऊंगा खुद. या फिर डैडी थॉट, एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन टू फ्री आइसक्रीम. छोटे बच्चे को मैं फ्री में आइसक्रीम बांट दूंगा. यही था उनका सोच, ओके. सो दैट सेकंड, पहला क्या बनना चाहते थे, उनका बनना था कि नाइट वॉचमैन. सेकंड जब आइसक्रीम वाला को देखे तो बनने, वो क्या बोलना चाहते थे, बनना चाहे, वो बोले कि आइसक्रीम मैन बनूंगा. सो ये है उनका डिसीजन कैसे चेंज हो रहा था. दीज आर द रीजन्स. देन लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज व्हेन दे हर्ड दैट देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन.
जब उनके पेरेंट्स सुने कि सरप्राइज हो गए, क्यों सरप्राइज हो गए थे, व्हाई दे बिकम सरप्राइज, दे बिकम सरप्राइज दैट व्हेन दे हर्ड देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन, उनका बेटा जो है आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। सो इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, बहुत फनी था ये मैटर, कोई कि बच्चा कोई आइसक्रीम मैन बनेगा, बट उनके लिए कोई फनी नहीं था। उनके डैडी के लिए वो क्या सोचे थे, ही थॉट ही वुड बी वेरी टेस्टी, इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बींग ग्रोन अप, बहुत टेस्टी वे होगा आइसक्रीम खा के बड़ा होना, ये टेस्टी वे होगा। सो दैट बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बींग ग्रोन अप, बड़ा होना एक बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। ओके सो नेक्स्ट, देन वन डे लिटिल डैडी सॉ ए मैन एट द रेलवे स्टेशन, और एक दिन जो भी देखते थे वो वही बनना चाहते थे, यही छोटे बच्चों का एक नेचर रहता है। सो दैट यही हुआ कि वो एक दिन क्या थे, रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे, यानी आई सॉ ए मैन एट द रेलवे स्टेशन, द मैन कैप प्लेइंग विद द कार्स एंड लोकोमोटिव। सो क्या कर रहा था, अपना कार्स और लोकोमोटिव्स के साथ खेल रहा था। बट व्हाट इज लोकोमोटिव, एक वर्ड होता है, ये है रेलवे इंजन। ओके रेलवे इंजन के साथ वो खेल रहा था, मतलब क्या उसके साथ खेल रहा था, बच्चों को लगता है कि वो खेल रहा है बट वो अपना काम कर रहा था। ओके बट दिस वर रियल कार्स रियल लोकोमोटिव, बट ये सब जो था रियल कार था, रियल लोकोमोटिव, जैसे बच्चों को खिलौना दिया जाता है ऐसा, ये नहीं था, टॉयज नहीं था, ये रियल कार और लोकोमोटिव ट्रेन इंजन के साथ खेल रहा था। सो दैट ही वुड जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स एंड क्रॉल अंडर द कार्स प्लेइंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम। सो उनको भी पसंद आया कि नहीं, मुझे भी यही काम करना है, मुझे भी यही खेलना है, यही रियल कार्स और रियल लोकोमोटिव के साथ मुझे खेलना है। ओके इट वॉज ए स्ट्रेंज गेम, प्लेइंग ए स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम, ही आर थिंकिंग दैट दिस इज वन ऑफ द गेम, वंडरफुल गेम एंड स्ट्रेंज थिंग। शो कुछ नया चीज, नया गेम, नया स्ट्रेंज, नए सामान के साथ खेलना बहुत स्ट्रेंज लगता है या फिर वंडरफुल होता है। सो दैट ये को तो भी यही बनना चाहेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो हु इज दैट मैन, डैडी आस्क्ड, एंड ही इज द Santa, he was told. And now little daddy knew what he wanted to be. Just think. And he would stunt railway cars. And what in the world could be more interesting? Nothing, obviously. When daddy said that he would be a Santa, someone asked him, but what about ice cream? Sure, Lester, and who is that man? Ab jab dekhe ki wo aadmi kaun hai, kya kar raha hai? डैडी पूछे, देन ही इज द स्टंटर सेंटर। सो सेंटर क्या होता क्या है, एंड ही वॉज टोल्ड, एंड नाउ लिटिल डैडी न्यू दैट ही वॉन्टेड टू बी, वो क्या बनना चाहते आप सोच सकते हैं। ही जस्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉन्ट, सॉन्ट होता क्या है, सॉन्ट है टू मूव ए रेलवे ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, रेल के जो डिब्बे को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाना। एंड व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया में और क्या हो सकता है, नथिंग ऑब्वियसली, सच में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कुछ। एंड व्हेन डैडी, सो उनका जो सोच था, पहले वॉचमैन बनना चाहते थे, नाइट वॉचमैन, देन आइसक्रीम मैन, अभी चेंज हो गया ये, एंड ही वॉन्ट टू बी ए सेंटर। सो दैट व्हेन डैडी सेड दैट ही वुड बी ए सेंटर, वो डैडी क्या बनना चाहते हैं, सेंटर बनना चाहते हैं। समवन आस्क्ड हिम, उनको पूछा गया, कोई पूछा उनको, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम, वो आइसक्रीम आप क्या करोगे, आइसक्रीम में नहीं बनोगे क्या, तो क्या बोले हो, दिस वॉज ए प्रॉब्लम, डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम ए सेंटर। अब ये प्रॉब्लम था कि वो आप अभी चेंज कर दिए, उनका जो सोच था चेंज हो गया। सो दैट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप, यहाँ क्या छोड़ देना, टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट, और जो ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम का कार्ट था वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। सो दैट उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एट लास्ट ही फाउंड ए वे, उनको एक रास्ता मिल गया, तो क्या बोले हो, एंड आई विल बी ए सेंटर एंड आइसक्रीम मैन ऑल्सो। सो हाउ इट बी पॉसिबल, एवरी वन वॉज वेरी सरप्राइज, सब सरप्राइज हो गए घर के उनके। बट लिटिल डैडी एक्सप्लान इट ऑल क्वाइट क्लियरली, बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लान किए उन लोगों को, उनका जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो लोग भी पूछे थे ये क्वेश्चन कि आप दोनों कैसे बनोगे, एक सेंटर कैसे बनोगे प्लस एक आइसक्रीम मैम कैसे बनोगे। देन दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कठिन काम नहीं है मेरे लिए। एंड आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, एंड आफ्टर सेलिंग इट फॉर ए व्हाइल आई विल गो टू द स्टेशन, एंड देयर आई विल स्टंट some cars and go back to sell some more ice cream. Then I will go back to the station and stunt the
cars again. And then I will sell some more ice cream and it would be hard. It won't be hard. कोई हार्ड काम नहीं मेरे लिए, बिकॉज आई विल पार्क माई कार नियर द स्टेशन एंड आई विल पार्क माई कार्ट नॉट कार आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वॉन्ट हैव अ फार टू गो टू द ट्रेन्स. ओके, एवरी वन लाफ्ड अगेन एंड देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सैड. वो एंग्री होके क्या बोले, एंड ही सैड, एंड इफ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई विल बी अ नाइट वॉचमैन. Besides, after all, there's nothing to do at night. अगर आप लोग हंस रहे हो तो मैं क्या बनना चाहूँगा, नाइट वॉच में बन जाऊँगा. ओके, सो दैट लेट एक्सप्लेन दिस पोर्शन. एवरी वन अन सरप्राइज, सब जब सरप्राइज हो गए, लिटिल डैडी क्या बोले, वो बोले कि इस चीज़ को एक्सप्लेन किए कि आप दोनों काम कैसे करोगे. तो ये बोले कि आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, सवेरे वो आइसक्रीम बेचेंगे, आप सेल करेंगे एंड आफ्टर सेलिंग इट, कुछ टाइम सेल करने के बाद क्या करेंगे, वो स्टेशन चले जाएंगे, वहाँ फिर अपना स्टंट करेंगे. स्टंट करने के बाद क्या करना है, स्टंट सम कार एंड गो बैक टू सेल, वहाँ फिर आइसक्रीम सेल करेंगे रेलवे स्टेशन पे. Then I will go back to the station. Station को फिर चला जाऊँगा and sound the cars again. फिर cars sound करेंगे and then I will sell some. फिर ice cream sell करेंगे वहाँ. Okay, ये कोई उनके लिए difficult काम नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, and he will park his cart near the station. Station के पास ही अपना जो ice cream का green cart है उसको पार्क करके रखेंगे and won't have far to go to the station. बहुत दूर नहीं रखेंगे, रेलवे स्टेशन के पास ही रखेंगे. So that उनका दोनों प्रोफेशन इजीली हो पाएगा. So that everyone laughed again, उनको सब हंसे. And then little lady got angry, वो गुस्सा हो गए, उसके लिए सब हंसे, जब हंसे उनको लाभ किए. So that he got little lady got angry and said, if you are going to laugh at me, अगर आप लोग मुझे हंस रहे हो, I will be a night watchman. ठीक है, मैं एक night watchman बन जाऊंगा. ठीक है, एंड देन बिसाइड आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, क्योंकि रात में कुछ करना नहीं है. ओके, एंड सो दैट यही था उनका आंसर. इट वॉज ऑल सेटल बट देन डैडी वॉन्टेड, ये उनका सोच इस हिसाब से सेटल होके रहा था. बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी ए पायलट, बट कुछ दिन बाद वो क्या बोले, पायलट बनना चाहते थे. देन ही वॉन्टेड टू बी ए एक्टर, बट आफ्टर ग्रैंडपा टूक हिम टू ए फैक्ट्री, ही डिसाइडेड टू बी ए टर्नर. बिसाइड ही वॉन्टेड टू बी ए सेलर और एटलीस्ट ए शेफर्ड एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अलोंग विद द काउज क्रैकिंग हिज व्हिप loudly. Okay, so that it was all settled, sab set ho gaya tha. But then daddy wanted to be, but kuch din baad wo pilot banna chahte the. He wanted to be a pilot. Then he wanted to be an actor. Apna jo soch hai wo changes karte rehte the. Okay, he wanted to be, phir uske baad kuch din baad wo actor banna chahte the. But कुछ दिन बाद जब उनका ग्रैंडफादर टुक हिम टू ए फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री पे उनको लेके गया थे. देन वहाँ क्या देखे, ही डिसाइडेड, अब जब वो एक टर्नर को देखे, ही डिसाइडेड टू बी ए टर्नर, वो एक टर्नर बनना चाहते थे. बिसाइड ही वांटेड टू बी ए सेलर, उसके बाद फिर एक सेलर बनना चाहते थे. ठीक है, और एटलीस्ट ए शेफर्ड, एक शेफर्ड भी बनना चाहते थे. जब एक आप गाय भैंस जब सीप ये सब चराने वाले होते हैं, वो बनना चाहते, शेफर्ड बनना चाहते थे. देन स्पेनिश डीज, क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि उनका टोटल टाइम, कंप्लीट टाइम उनके पीछे पीछे घूमने में, या फिर स्पेनिश डीज वॉकिंग अबाउट विथ द काउज एंड देन क्रैकिंग हिज व्हिप लाउडली. क्रैकिंग यहाँ क्या होगा, उनका जो क्रैकिंग क्या होगा, क्रैकिंग साउंड मीन्स मेकिंग ए शार्प नॉइज. एक शार्प नॉइज होता है, किससे होता है, व्हिप से होता है. व्हाट इज व्हिप, व्हिप एक चाबुक होता है जो कि आप चमड़े से बना रहता है. ठीक है, रस्सी टाइप का एक होता है, एक हैंडल रहता है उसका. एंड क्रैकिंग मेकिंग ए शार्प नॉइज विद ए व्हिप, एक व्हिप से वो साउंड बनाना चाहते हैं. तो व्हिप क्या होता है, एक कॉर्ड एंड स्ट्रिप ऑफ लेदर विथ हैंडल दैट इज यूज फॉर हिटिंग पीपल और एनिमल, लोगों को मारने के लिए या फिर एनिमल्स को मारने के लिए व्हिप बनाया जाता है. ठीक है, सो दैट ये करना चाहते थे. सो इससे क्या पता चल रहा है, ही ऑलवेज चेंज हिज माइंड, अपना जो सोच है दिमाग को चेंज करते रहते थे किस चीज़ के लिए, एंड अबाउट हिज प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन के बारे में वो बार बार चेंज करते थे. इसका मतलब क्या है, व्हेन एवर ही सी समवन, ही सॉ ही वाज गोइंग एनी प्लेस एंड ही सॉ समवन, देन ही वांटेड टू बी दैट पर्सन,
वो बनना चाहते थे, उसके जैसे बनना चाहते थे। सो दैट दिस इज द रीजन वाई ही चेंजेस हिज डिसीजन। बार बार उनका जो आंसर था या डिसीजन था क्यों चेंज होता था। ओके सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज, सो विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। बट यहाँ एक लास्ट में क्या पिक्चर है, एक डॉग का पिक्चर है। सो क्या बनना चाहते होंगे डैडी, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट पेज, फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। ओ माय गॉड, वो एक कुत्ता बनना चाहते थे। फाइनली वो डिसाइड किया कि वो कुत्ता बनना चाहेंगे। एंड ये पिक्चर भी देख सकते हैं कि एक ओल्ड वूमन है यहाँ और एक कुत्ता के पास। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द डॉग एंड ही प्रिटेंडेड टू बी अ डॉग, वो कुत्ता जैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट। एंड फाइनली ही डिसाइडेड एंड ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग and all that day he ran around on all fours, all that day and he ran around on all fours and barking at stranger. All fours means legs, two legs and two hands. We have like the dogs and how the dog walks by four legs. So that he wanted to be a dog. Now finally he wanted to be a dog, ek kutta banna chahte the. So start karte hain, कैसे कुत्ता बनना चाहते थे और क्या हुआ था वो इंसिडेंट, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। सो दैट फाइनली ही डिसाइडेड एंड ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग, फाइनली एक डॉग बनना चाहते थे। ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स एंड बार्किंग ए स्ट्रेंजर्स, चारों हाथ पैर से वो चलेंगे और कुत्ता जो क्या करेंगे भौंकेंगे, वो बार्किंग करेंगे जो स्ट्रेंजर्स, जो भी स्ट्रेंजर्स आएंगे उनको बार्क करेंगे उनके। एंड ही इवन ट्राइड टू बाइट एंड एवर एल्डरली लेडी, ये देखो एक एल्डरली ओल्ड वूमेन है उनको काटने की कोशिश भी किए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुआ था वो एक ओल्ड वूमेन को काटने की कोशिश भी किए थे। एंड बाइट एन एल्डरली लेडी व्हेन ही सी वांटेड टू पैट हिज हेड, उनके जो हेड को पैट किए तो क्या कि उनको काटने की कोशिश की ऐसे कुत्ते जैसे। लिटिल लेडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल, कैसे बार्क करना है वो अच्छे से सीख गए थे। बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट, जैसे कुत्ता अपने पैर से कान के पीछे से स्क्रैच करते हैं या खुजलाते हैं, ये काम वो खुजली करते हैं, वो काम डैडी नहीं सीख पाए थे। ठीक है, कुत्ते के जैसे। सो ही वॉन्टेड टू, ही ऑलवेज ट्राइड टू लर्न हाउ द डॉग्स बिहेव एंड हाउ दे डू ऑल द एक्टिविटीज, सो दैट ही लर्न, बट ये काम सीख नहीं पाए थे। देन एंड बिहाइंड हिज ईयर ऑन हिज फुट एंड दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी वो सीख नहीं पाए थे। ही थॉट दैट इफ ही वेंट आउटसाइड एंड सेट नेक्स्ट टू रोवर, एंड रोवर कौन है, उनका डॉग का नाम है, द नेम ऑफ द डॉग, एंड ही वुड लर्न मोर क्विकली। आप वो क्या सोचते थे कि थॉट दैट इफ ही वेंट आउटसाइड, कहीं बाहर जाएंगे, घर में तो सब उनको देख के हंसेंगे, सो दैट कहीं बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, सेट नेक्स्ट टू रोवर, रोवर के साइड में ही बैठेंगे एंड लर्न, उसको सीखेंगे वेरी क्विकली कि वो कुत्ता कैसे अपने पैर से उनके कान के पीछे साइड को खुजली करता है। ओके दैट एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, वो ऐसे किए भी थे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, वो ऐसे सीखने की कोशिश भी किए थे। सो ये जब कर रहे थे, ये कुत्ता जैसे खुजली करता है कान के पीछे साइड से अपने पैर से, ये काम कर रहे थे, दैट ही वॉज डूइंग द सेम थिंग, इन पॉइंट था उनका लाइफ का फाइनल डिसीजन था कि कुत्ता बनने वाला, ये कैसे उनको चेंज किया। सो एट द सेम टाइम व्हाट ही वॉज डूइंग, डैडी क्या कर रहे थे, अपना पैर से कान के पीछे साइड को खुजली करने की ट्राई कर रहे थे या फिर सीख रहे थे, लर्निंग, ही वॉज लर्निंग दैट एक्टिविटी ऑफ द डॉग। सो जस्ट देन एन ऑफिसर, जस्ट देन एन ऑफिसर डाउन द स्ट्रीट, एक ऑफिसर आए थे वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट पे जा रहे हैं, भी देखेगा ऐसे कुछ कुत्ते के साइड में बैठ के अगर कोई ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे हरकतें कर रहे हैं कुत्ता जैसा, तो कोई भी रुक के देखेगा। सो दैट ऑफिसर स्टॉप देयर एंड लुक दैट डैडी, डैडी को देखा एंड ही वॉच्ड हिम फॉर ए व्हाइल, कुछ टाइम उनको देखने के बाद वो क्या बोले, देन ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। सो द डैडी का इंटरेस्टिंग आंसर था, लिटिल डैडी क्या बोले, आई वॉन्ट टू बी डॉग, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉग। ओ माई गॉड, दैट द आंसर दैट एक सोचने वाला आंसर था। सो दैट ऑफिसर क्या बोले, डोंट यू वॉन्ट टू रिमेन ह्यूमन,
आप आदमी बन के रहना नहीं चाहते हो, एक इंसान बन के रहना नहीं चाहते हो? डोंट यू वॉन्ट टू रिमेन ए ह्यूमन बींग? सो दैट वो क्या बोले, आई हैव बीन ए ह्यूमन बींग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिन तक एक ह्यूमन बींग बन के रहा. डैडी सेट, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग आर यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग आर यू, एंड इफ यू कैंट इवन बी ए डॉग, इज दैट व्हाट ए ह्यूमन बींग इज लाइक? तो इसमें क्या बोले, एंड वेल व्हाट इज ही लाइक, डैडी आस्क्ड. देन ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग आर यू, आप किस टाइप का इंसान हो? इफ यू कैन नॉट इवन बी ए डॉग, आप कुत्ता भी नहीं बन सकते, कुछ कुत्ता जैसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे इंसान हो? इज दैट व्हाट ए ह्यूमन बींग इज लाइक, एक इंसान ऐसे होना चाहिए. तो वेल व्हाट ही लाइक, व्हाट इज ही लाइक, डैडी क्या पूछे उनको, क्या होना चाहिए, व्हाट ही इज लाइक, यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, आप अपने आप सोचो. तो ऑफिसर शेड एंड वॉक डे, ये बोल के ऑफिसर वहाँ से चले गए. तो ये जो बात था, ये डैडी को बहुत रिएक्ट किया, ठीक है, उनके लाइफ में ऐसे नहीं होता. क्या बोले, आप एक कुत्ता जैसा भी नहीं कर पा रहे थे, आप कैसे इंसान हो कि आप कुत्ता जैसा भी नहीं कर सकते, कैन नॉट, आप कुत्ता भी नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी ए डॉग, व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग आर यू. ये उनको सोचने पर मजबूर कर दिया. एंड क्यों आप इंसान बन के रहना नहीं चाहते हो, ये भी एक बात था. सो दैट ऑल दिस थिंग्स दैट चेंज हिज माइंड. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. ओके, एंड ही वॉजंट लाफिंग एंड डिडंट इवन स्माइल, बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच एशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही बिगैन टू थिंक. ही थॉट एंड थॉट, एंड द मोर ही थॉट द मोर एशेम्ड he watch of himself. The officer had not explained anything to him, but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. And what was most important, he realized that he was too small to know what he wanted to be. The next time he was asked the same question, he remembered the officer and said, I want to be a human being. So let's explore. So he was not laughed. The officer did not laugh. Was not laughing. Officer was not laughing. Also, he did not even smile. वो वहाँ से भी नहीं उनको देख के लाभ भी नहीं कर रहे थे, या उनको देख के उनका एक्टिविटी भी वो लाभ नहीं किए. जैसे बाकी पहले दिन सब हंसते थे उनको या स्माइल करते थे, वो ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं किया. बट कुछ क्वेश्चन पूछे उसका सही लास्ट पोर्शन जो भी डैडी पूछे कि क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर भी वो एक्सप्लेन नहीं किए थे. सो दैट बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच एशम. एशम क्या होता है, उनको बहुत शर्मिंदा लगा. एंड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप के ऊपर शर्म लगा या फिर शर्मिंदा लगा उनको. एंड ही बिगेन टू थिंक, वो सोचना स्टार्ट कर दिया अपने आप, मन ही मन में सोचे. ही थॉट एंड थॉट, एंड द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा सोचे द मोर एशम ही वॉच ऑफ हिमसेल्फ, उनको उतना ज़्यादा शर्मिंदा लगा. सो दैट द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम. ऑफिसर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किए थे कि क्यों ऐसे उनको बोले, क्या था उनका रीजन, वो एक्सप्लेन नहीं किए थे, उनको नहीं बोले थे, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए. बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे. बट उनको एक समझ आया, अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनको अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ, समझदारी हुआ कि समझ के अपने आप के ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे. सब दिन वो अपना दिमाग को चेंज नहीं कर सकना और नहीं कर सकते, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए. एंड व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप वो जो सोचे ही रियलाइज है, और रियलाइज क्या किया कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, ही वाज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी. वो बहुत छोटे हैं क्या बनना चाहिए ये सब के बारे में सोचने के लिए, या फिर क्या प्रोफेशन करना चाहिए, क्या फ्यूचर में क्या बने, ये सब सोचने के लिए अभी वो बहुत छोटे हैं. एंड ही वॉज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वॉन्टेड टू बी, ये सोच पाना उनके बस की बात नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन उनको पूछा गया या फिर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, वो क्या माइंड पे सेट कर दिया कि ही रिमेंबर द ऑफिसर. वो ऑफिसर को रिमेंबर भी किए थे, वो जब पूछे तो क्या बोले, आंसर क्या दिया उनको, सेट आई वॉन्ट टू बी ए ह्यूमन बींग, मैं एक ह्यूमन बींग बनना चाहता हूँ, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ. सो दैट यही सबसे अच्छा एक जो डेमोक्रेटिक थॉट है, गणतांत्रिक थॉट है, कि हम लोग एक इंसान बनना चाहिए, और उसके बाद कि हम लोग एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. कुछ भी प्रोफेशन करें, वो सबसे बड़े फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. सो ये आंसर सुन के अब नो वन लाफ्ड, कोई भी उनको नहीं हंसे थे,
And little Reddy understood that this was the best answer of all. तो उनको लगा कि यही सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि उससे पहले जितना भी आंसर देते थे, अब कुत्ता बनना से ले के बैग जाइए, पहला नाइट वॉचमैन, देन आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम मैन, देन स्टॉन्चर, देन एनीथिंग वाटर वीड बी ए पायलट और एनीथिंग काउ हैट यू मे से, सो सभी टाइम पे सब हंसते थे, बट अभी इसमें कोई भी उनको नहीं हंसे. एंड ही स्टिल थिंक सो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचते रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बींग. उनका पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी बनिए, बट अब पहला पॉइंट क्या है, यू वॉन्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए पायलट एंड सेफर एंड आइसक्रीम मैन. एंड आफ्टर ऑल ए ह्यूमन बींग डजंट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट. सो दैट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए पायलट. ये पायलट हो या फिर शेफर्ड हो या फिर आइसक्रीम मैन हो, सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक इंसान बनना चाहिए. ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट, ही शुड बी ए गुड ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. ओके, एंड आफ्टर ऑल ए ह्यूमन बींग डजंट रियली नो एंड हैव टू नो, कोई जरूरी नहीं है कि उनको कुत्ता कैसे अपना कान के पीछे साइड खुजलाता है, वो सीखना कोई जरूरी नहीं होता है. ओके, so from this lesson, so that we learn that we should be a good human being, and whatever be the profession kuch bhi ho, it be a pilot, doctor, engineer, or teacher, professor, politicians, whatever it be, but we should be a good human being. Hum ek acha insaan banna chahiye. This is all about the chapter, and the next video we'll discuss the question answer of this chapter. Next video पे हम लोग आप इस chapter का question answer complete discussion करेंगे. Okay, thank you students for watching the video. Please like and subscribe, share, and don't forget to comment.